और राजनगर थाना परिसर में रामनवमी एवं ईद के त्यौहार को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी मलय कुमार, अंचलाधिकारी हरीश चंद्र मुंडा एवं राजनगर थाना प्रभारी अमीश कुमार ने की। तो बैठक में पदाधिकारियों ने ईद और रामनवमी को आपसी भाईचारे एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की भी अपील की। इस दौरान आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने की भी अपील की गई और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए पर्व मनाने को कहा। इसमें मेनली सभी अखाड़ा समिति के लोग को कहा गया कि भाई चूँकि आचार संहिता अभी लागू है सारे क्षेत्र में, तो इसमें इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए, अखाड़ा जो जुलूस जो निकलेगी उसको धार्मिक ही रखा जाए और शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस को लोग अपना आगे बढ़ाएं, और जो लास्ट जो इसमें झंडा का ठंडा किया जाता है उसको अच्छा से करके इसको समर्पित करें। सोशल मीडिया के बारे में कहा गया कि अभी यदि कोई भी जुलूस का मिसयूज करता है पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल करने के लिए, तो अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो उसको ध्यान रखेंगे ताकि ऐसा ना हो कि वायरल हो जाए, उसमें कोई कार्रवाई हम लोग करना पड़े, तो सभी लोग प्रिकॉशन लेंगे। और जनरली यूज़ करते हैं जुलूस में तो उसमें ये ध्यान रखा जाए कि भड़काऊ गाने का गाना नहीं बजाया जाए और साउंड भी कंट्रोल में रहे ताकि सभी लोग इंजॉय कर सकें त्यौहार और शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकल जाए। व्यवस्थाएँ की पूरी तरह से मुस्तैद है और जहां भी कुछ शिकायत होगी उस पर हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे और हर जगह पुलिस फोर्स की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। ईद एक भाईचारे का पर्व है, इसको शांतिपूर्वक आपसी भाईचारे के साथ मिलाए इसको मनाया जाए। आचार संहिता जो है, आचार संहिता का अभी पूरे देश में आचार संहिता लागू है, इसको भी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए। मैं आपका स्वागत है। आज राजनगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई, बजरंग रामनवमी और ईद को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। और अभी अभी शांति समिति की बैठक संपन्न होने के बाद जो कमेटी के सदस्य गण हैं यहाँ निकले हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर आज क्या क्या विषयों पर यहाँ चर्चा की गई है? अधिसूचना जारी हुआ इसलिए सबको निर्देश दिया कि भाई इलेक्शन का ये है इसलिए ऐसा कोई काम ना करे कि चुनाव ये का ऊपर जाए झंडा, चुनाव का कोई पार्टी का झंडा यूज ना हो, शांतिपूर्वक हम लोग को पूजा बिताना है, यही सब निर्णय हुआ है। ईद को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन दिया गया? ईद के लिए जो है जानकारी दिया गया है कि कल हम लोग जो है 7 बजे अपने गांव में मदरसा में ईद की नमाज अदा की जाएगी। और ईद में तो हम लोग को आप साफ जानता है कि साधारण नाश्ता में जहाँ रोज एक महीना रोज़ा रख करके आपका ईद का नमाज अदा करते हैं और गले मिल करके आप देश और अपने प्रदेश के हित में दुआ मांगी जाती है कि हम लोग खुशी खुशी ईद मनाएं, गले से गले मिल करके एक दूसरे को बधाई दें। जुलूस को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन दिया? जुलूस के लिए हम लोग का ऐसा निर्देश दिया गया जो ऐसा कोई खेल या ऐसा कोई जैसे कुछ हो जाए कुछ प्रशासन का ऊपर नहीं पड़े इसीलिए। और बोले कि देखिए कोई पीने वाला भी नहीं होना चाहिए इस दौरान, तो आचार संहिता भी लागू है। हाँ, और उसको लेकर क्या गाइडलाइन दिया गया? उसका लिए गाइडलाइन दिया गया है कि कोई धार्मिक राजनीतिक दल शामिल नहीं होना चाहिए, अगर शामिल भी होगा तो झंडा नहीं होना चाहिए और कुछ नारा नहीं लगाना चाहिए, यही दिया गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गाइडलाइंस भी दिया गया कमेटी के सदस्यों को कि रामनवमी और ईद जैसा जो पर्व है इसको शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था में संपन्न करें, किसी भी तरह चूँकि आचार संहिता भी लागू है तो उसको भी मद्देनज़र किसी तरह के कोई ऐसा कोई राजनीतिक दल के या पार्टी के वहां पर प्रचार ना हो, प्रचार प्रसार ना हो, झंडा वगैरह ना हो, ये चीज़ को भी गाइडलाइंस में बताया गया, जिसको लेकर उम्मीद की जा रही है कि ये इस बार जो रामनवमी का जुलूस हुआ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था साथ मनाया जाएगा। रविकांत गोप्रफ्तार, मीडिया, राजनगर।